नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कल खबरदार में हमने आपको डिटेंशन सेंटर के बारे में बताया था, जहां घुसपैठियों को रखा जाता है। हमने आपको देश का पहला डिटेंशन सेंटर भी दिखाया था, जो असम में बन रहा है। वैसे तो अभी इस पर काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज इस पर राजनीति पूरी हुई, और ये राजनीति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरू की, जिन्होंने असम के ही डिटेंशन सेंटर का वीडियो दिखाते हुए ये कहा कि आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। जाहिर है बीजेपी से ये बात सहन नहीं हुई। पहले तो बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा पर उनकी खिंचाई की, फिर ये सबूत दिखाए कि 2011 में खुद कांग्रेस सरकार कह रही थी कि 3 डिटेंशन सेंटर बनाकर 362 घुसपैठियों को इसमें भेज दिया। बीजेपी ने इसके बाद राहुल गांधी पर और तीखा हमला किया और ये कहा कि राहुल गांधी डिटेंशन कैंप की बात कर रहे हैं, वो तो अक्सर विदेश जाते हैं, एक बार खुद अपनी तय वीजा अवधि से ज्यादा कहीं रुक कर देखें तो खुद ही जान जाएंगे कि कैसे पकड़े जाएंगे और किस तरह से वापस देश भेजे जाने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि डिटेंशन सेंटर आज के नहीं है। डिटेंशन सेंटर असम की जेलों में पहले से चल रहे हैं, और ये डिटेंशन सेंटर तब से चल रहे हैं जब केंद्र और असम दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी। इसीलिए आज जब डिटेंशन सेंटर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये राजनीति उनको उल्टी पड़ गई। लेकिन यहां सवाल यह है कि डिटेंशन सेंटर पर उस बात का बीजेपी ने क्या जवाब दिया जो बात पीएम ने कही थी कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में यही कह रही है कि बात डिटेंशन सेंटर की नहीं है, कि वो कब शुरू हुए, बात यह है कि पीएम ने झूठ बोला। डिटेंशन सेंटर को लेकर आज ये पूरी राजनीति कैसे चली, राहुल गांधी के हमले पर तीखे पलटवार के बाद पीएम वाली बात पर बीजेपी ने क्या कहा, वो सब आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता को झूठ बोलता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना, राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, अच्छे भाषा की अपेक्षा करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। बीजेपी को राहुल गांधी की वो बात तीर की तरह चुभी है, जिसमें उन्होंने डिटेंशन सेंटर पर पीएम मोदी को झूठा बता दिया और उस डिटेंशन सेंटर का वीडियो पोस्ट किया जो डिटेंशन सेंटर असम में बन रहा है और जिसके बारे में हमने कल ही आपको बताया था। भारत का पहला और सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर असम में बन रहा है। मैं इस समय हूँ मतिया इलाके में, जो ग्वालपाड़ा जिले में है, जहाँ पर 2.5 हेक्टेयर के इलाके में, जिसका मतलब है करीब 7 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इलाके में इसे बनाया जा रहा है। करीब 46 करोड़ के खर्चे के साथ इसे बनाने की कवायद हुई है, जो शुरुआत हो चुकी है। असम के ग्वालपाड़ा में बन रहे इसी डिटेंशन सेंटर को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इसलिए घेरा क्योंकि पीएम ने पिछले रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है और विरोधी झूठ फैलाने में जुटे हैं। मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई, डिटेंशन सेंटर कहाँ बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे कि हमने तो सुना है, इसलिए कह रहे हैं। सुना है तो किस लिए? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पीएम की यही बात उनके विरोधियों ने पकड़ ली, जिसमें राहुल गांधी को भी मौका मिला और उन्होंने पीएम को आरएसएस का पीएम और झूठ बोलने वाला बता दिया। लेकिन इस पर बीजेपी भी आक्रामक हो गई और सबूत दिखाने लगी कि डिटेंशन सेंटर पीएम नहीं, मनमोहन राज की देन है। इसमें बीजेपी ने 2011 के तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज दिखाई। असम में 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा घुसपैठियों और डिटेंशन सेंटर पर जारी श्वेत पत्र का हवाला दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक मामले में 2009 के गृह मंत्रालय के निर्देशों का जिक्र किया। डिटेंशन कैंप का कह रहे हैं, झूठ तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। 2011 में किसने डिटेंशन कैंप बनाया था? क्या मोदी जी ने बनवाया, अमित शाह ने बनवाया? ये भारत के दस्तावेज सबूत है। अगर है हिम्मत तो चुनौती के साथ कहता हूं कि ये डिटेंशन कैंप किसने बनवाया, मोदी ने या कांग्रेस के समय? अगर ये कह दें कि कांग्रेस नहीं बनवाया है तो
तो मैं पद से इस्तीफा दे देता हूं और नहीं तो वो हट जाए। जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं कर पाया, पाकिस्तान के एजेंडे पर राहुल गांधी ओवैसी और टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ना चाहते। पीएम पर तीखे हमले से तिलमिलाई बीजेपी ने अपने सभी सियासी तोपों का निशाना राहुल गांधी और कांग्रेस पर कर दिया। 3 सबूत दिखाकर कांग्रेस पर हमला किया कि डिटेंशन सेंटर तो कांग्रेस के ही राज में बने। इसमें 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार का कबूलनामा, जिसमें असम में 6 डिटेंशन कैंप बनाने और 362 घुसपैठियों को इस कैंप में भेजने की बात है। इसके अलावा 2012 में असम में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार का श्वेत पत्र, जिसमें डिटेंशन सेंटर बनाने और घुसपैठियों को रखने की बात है। इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि डिटेंशन सेंटर की प्रक्रिया 2009 के तत्कालीन गृह मंत्रालय के निर्देश पर है। झूठों के सरदार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज आप फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे देश से? मिस्टर राहुल गांधी इज नो नथिंग स्पीक एवरीथिंग, जानना कुछ नहीं है बोलना सब कुछ है। किसी भी विषय पे राहुल गांधी जी का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और हर विषय पर जरूर टांग अड़ाना है और बोलना है। मकसद ना तो इनका एनपीआर का है, मकसद ना तो इनका सीएए का है, डिटेंशन सेंटर पे भी बरगड़ाना है, मकसद एक ही है। ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? प्रथम परिवार के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनना था। बीजेपी को ऐसे तीखे हमले का इसलिए भी मौका मिला क्योंकि सच यही है कि घुसपैठियों के लिए जिस डिटेंशन सेंटर की आज बहुत चर्चा हो रही है वो आज के नहीं है। लेकिन इसमें उल्टे फंस गई कांग्रेस अब राहुल गांधी का दिलचस्प बचाव कर रही है। क्या राहुल जी ने ये कहा कि हमने नहीं बनाया और तुम बना रहे हो? राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के सामने ये कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो राहुल जी ने कहा है। एक तो झूठ बोलो, ऊपर से जो है उसका जवाब देने की जगह हमसे प्रश्न पूछो, ये तो कमाल की बात। कांग्रेस का बचाव यही है कि राहुल गांधी ने ये कब कहा कि डिटेंशन सेंटर कांग्रेस राज में नहीं बने? बात तो ये है कि पीएम मोदी ने झूठ क्यों बोला कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं। लेकिन बीजेपी का भी इस पर अपना बचाव है कि पीएम ने जो कहा वो सही कहा, इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। ये सारी अफवाहें झूठी हैं, ऐसा कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, यह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो इसमें झूठ क्या है? राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की पार्टी जिस प्रकार की बातें फैला रही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी के बाद इस प्रकार के डिटेंशन कैंप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, ये पूरी तरह से झूठी थी। और इस झूठ का पर्दाफाश दिल्ली में रामलीला के मैदान में प्रधानमंत्री जी ने किया था। सबके अपने अपने सच है जिनके सहारे वो दूसरों को झूठा कह रहे हैं, लेकिन डिटेंशन सेंटर की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी और कांग्रेस की मुसीबत ये है कि एक तो डिटेंशन सेंटर उनके ही राज में शुरू हुए थे और दूसरा ये कि इसमें कोई गैर कानूनी भी नहीं है। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर हर जगह होते हैं। राहुल गांधी जी अब तो बाई एक्सीडेंट वीडियो भी ट्वीट किया है। हाँ, बाई डिटेंशन सेंटर को बाई एक्सीडेंट कांग्रेस के वो नेता हैं, लेकिन वो जो है वो कम से कम अपनी बुद्धि के थोड़े से दरवाजे को खोल लिया करें। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि असम में नहीं है डिटेंशन सेंटर, उनका था कि देश के किसी और हिस्से में जिस तरह का शोर इन्होंने मचाया था कि हर देश के हर कोने में डिटेंशन सेंटर बन रहा है, उसके बारे में कहा था कि भैया एनआरसी जब पूरे देश में कहीं प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई तो ये डिटेंशन सेंटर का जो हवा खड़ा कर किया जा रहा है वो शुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने का है। अगर इतनी सी अकल नहीं है, इतनी सी बड़ी सी जो उनके बंद अकल की खिड़की है उसको अगर खोल के वो समझें तो इतना जो है वो झूठा ट्वीट उनको और इतना गुमराह करने वाला ट्वीट ना करना पड़ता। बीजेपी यही कह रही है कि मोदी विरोध से पहले नागरिकता कानून, फिर एनआरसी, फिर एनपीआर और फिर डिटेंशन सेंटर कैंप को लेकर भ्रम और भय फैलाया जा रहा है, और इसी विरोध में पीएम के लिए भी उनके विरोधियों के बोल बिगड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
बिना किसी वैध दस्तावेज के किसी देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की जब पहचान होती है तो इन्हें तब तक डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है जब तक कि इनकी नागरिकता का वेरिफिकेशन न हो जाए, और नागरिकता का वेरिफिकेशन होने के बाद इन्हें इनके मूल देश में भेजने की प्रक्रिया न पूरी हो जाए। इन्हें डिटेंशन सेंटर में इसीलिए रखा जाता है ताकि इनकी गतिविधियों को सीमित किया जाए और ये कहीं दूसरी जगह पर जाकर लापता न हो जाए। ऐसे लोगों के लिए भारत में वैसे तो अभी तक कोई विशेष डिटेंशन सेंटर नहीं बनाए गए, अभी तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ असम में ही ऐसा सेंटर बन रहा है, लेकिन असम और देश के दूसरे कई हिस्सों में ऐसे लोगों को रखने के लिए काफी अरसे से अस्थायी व्यवस्था रही है। वैसे डिटेंशन सेंटर गैर कानूनी नहीं होता, 1946 के फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी विदेशी नागरिक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकती है और किसी एक जगह पर रहने के लिए बाध्य कर सकती है। 1920 के पासपोर्ट एक्ट के अनुसार भारत सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को देश से सीधे निकाल सकती है जो वैध पासपोर्ट या फिर वैध दस्तावेज के बिना देश में घुसा। विदेशी नागरिकों के मामलों में भारत सरकार को यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 258(1) और अनुच्छेद 239 के तहत मिली हुई है, जिसमें वो विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती है। अवैध रूप से देश में बसे विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी आते रहते हैं। ऐसे निर्देश 2009, 2012, 2014, 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी होते रहे हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध तरीके से भारत में रहते हुए पकड़े गए विदेशी नागरिकों के बारे में कहा था कि जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें तुरंत जेल से रिहा करना चाहिए और ऐसी जगहों पर रखना चाहिए जिसे डिटेंशन सेंटर कह लें या कोई और नाम दे दे, लेकिन इन जगहों पर बिजली, पानी और साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने एक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उन निर्देशों का भी नोटिस लिया जो निर्देश 2014 में जारी किए गए थे। इसमें गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वो अवैध घुसपैठियों और उन विदेशी नागरिकों की गतिविधियां सीमित करने के लिए हिरासत केंद्र बनाए जिन विदेशी नागरिकों को सजा के बाद वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया चल रही है। डिटेंशन सेंटर के बाद आर्मी चीफ की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। नेतृत्व क्षमता वो नहीं है जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जाती हो। आज हम कई शहरों में भीड़ और लोगों को हिंसक प्रदर्शन करते देख रहे हैं, ये नेतृत्व क्षमता नहीं है। इस बात पर किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जब सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी ये राय सार्वजनिक की तो सियासी घमासान शुरू हो गया। जनरल बिपिन रावत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों द्वारा नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों पर अपनी राय रख रहे थे और देश के नेताओं को लीडरशिप क्वालिटी पर सलाह दे रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को एक सेना प्रमुख की जुबान से यह राजनीतिक टिप्पणी जरा भी नहीं सुहाई। उन्होंने इसे सेना के राजनीतिकरण का रंग देने में देर नहीं लगाई। टुडे एज आई स्टैंड हियर ऑन दिस कोल्ड विंटर मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ अस आर टायर्ड इन कोट्स एंड जैकेट्स, some with mufflers around there. I wish to pay reverence to my soldiers who stand steadfast in this cold on the high altitude terrain of the Saltoro Ridge manning this Siachen Glacier, where temperatures today are ranging between -10 and -45 degrees Celsius. इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, और ऐसी ही लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद करता है देश और देश का हर सैनिक। लेकिन 31 दिसंबर को सेनाध्यक्ष पद से रिटायर हो रहे जनरल बिपिन रावत ने पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी अपने विचार सार्वजनिक किए हैं। लीडर्स आर दोज हु लीड पीपल इन द राइट डायरेक्शन, लीडर्स आर नॉट दोज हु लीड पीपल इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, एज वी आर विटनेसिंग in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead.
So leadership is through personal example. And that is what we in the armed forces are proud of. और इस तरह जनरल बिपिन रावत ने देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को नसीहत भरे अंदाज में आईना दिखाया, जिसमें नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की चिंता साफ झलक रही थी। जाहिर है आर्मी चीफ के राजनीतिक बयान पर राजनीति तो होनी ही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तुरंत ट्विटर पर सवाल दागते हुए लिखा, क्या आर्मी चीफ उनकी इस बात से सहमत हैं कि नेता वो भी नहीं हो सकता जो अपने अनुयायियों को सांप्रदायिक आधार पर नरसंहार के लिए भड़काए। असदुद्दीन ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी ट्विटर पर प्रकट हुए और बोले, अपने ऑफिस के प्रभाव क्षेत्र को समझना भी लीडरशिप है। लीडरशिप नागरिक की सर्वोच्चता को समझना और जिस संस्था के प्रमुख आप हैं उसकी गरिमा को ठीक से जानना भी है। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान के वो भी गलत है, फिर जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद किए हैं, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था, वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है वो। जब नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हों, तब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी का भी दुखी होना लाजमी है। लेकिन आर्मी चीफ होने के नाते जनरल बिपिन रावत को पॉलिटिकल बयान देने से परहेज कर लेना चाहिए था। ये सरकार के विरोधी ही नहीं बल्कि सहयोगी भी कह रहे हैं। नहीं, मैं श्री विपिन रावत जी के वक्तव्य से असहमत हूँ। सेना प्रमुख होने के नाते उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हमारे देश में परंपरा और नियम रहा है कि देश की सेना पॉलिटिक्स से दूर रहती है और सेना अध्यक्ष पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करते, लेकिन इस नियम और परंपरा का हमेशा पालन किया ही गया हो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की सेना भारत की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करती है। अगर वो देश को जलते हुए देखते हैं तो क्या उस पर टिप्पणी करना गलत है? क्या उसे एक राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है? बहरहाल, राजनीति की दुनिया पर ग्रहण कभी नहीं लगता, वहां सत्ता और शक्ति की चमक हमेशा बनी रहती है। एक तथ्य यह भी है कि आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। इस सूर्य ग्रहण में भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों की दिलचस्पी थी। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं था, इसीलिए चंद्रमा की छाया सूर्य का पूरा भाग नहीं ढक पाई, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया। यह सूर्य ग्रहण 5 घंटे 36 मिनट तक रहा। भारत में यह आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:36 तक दिखा। भारत के दक्षिणी राज्यों में यह सूर्य ग्रहण साफ तौर पर देखा गया, जबकि देश के कई हिस्सों में धुंध और बादलों के कारण लोग सूर्य ग्रहण नहीं देख पाए। अब अगला सूर्य ग्रहण जून 2020 में होगा। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने साल के इस अंतिम सूर्य ग्रहण का दीदार किया और इनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। सूर्य ग्रहण के दौरान सुबह 10:38 पर पीएम मोदी ने सूर्य ग्रहण देखते हुए अपनी कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि अन्य भारतीयों की तरह वो भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने लिखा कि वो सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाए क्योंकि आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि उन्होंने लाइव स्ट्रीम के जरिए कोझिकोड में सूर्य ग्रहण देखा और इस दौरान एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके इसके बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी की इन तस्वीरों पर ट्विटर के एक यूजर ने लिखा कि आज सारे मीम बनने वाले हैं। इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, मोस्ट वेलकम, इंजॉय, यानी बहुत स्वागत है, आप मजा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के इतना कहते ही ट्विटर के यूजर्स ने इस मौके का आनंद लेना शुरू कर दिया। पीएम मोदी की तस्वीर पर बनाए गए कुछ मजेदार मीम्स हमने चुने हैं, आप भी इनका आनंद लीजिए। हाथों में सूर्य ग्रहण देखने में इस्तेमाल होने वाला चश्मा और आंखों पर धूप से बचाने वाला काला चश्मा लगाकर बादलों में छिपे सूर्य ग्रहण को निहारते पीएम मोदी के सूर्य ग्रहण देखने के इस स्टाइल पर
ट्विटर यूजर्स फिदा हो गए। पीएम मोदी ने एंजॉय करने को क्या कहा, ट्विटर पर उनकी इस तस्वीर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई इसे कूल बताने लगा तो कोई खिंचाई करने लगा। एक से बढ़कर एक क्रिएटिव मीम्स और कमेंट्स से ट्विटर ओवरफ्लो होने लगा। किसी ने लिखा, सूर्य को चश्मा ऑफर करते पीएम मोदी। किसी ने लिखा, अच्छे दिन का रास्ता देखते कूल पीएम। इस मीम में पीएम मोदी ट्रंप को सूर्य ग्रहण देखना सिखा रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक मीम आया जिसमें लिखा, वाकई कूलेस्ट पीएम। मजे मजे में कुछ यूजर्स ने तो पीएम मोदी के चश्मे का ब्रांड भी पता कर लिया और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर इसकी कीमत भी ढूंढ निकाली। एक यूजर ने इसे जर्मनी का चश्मा बताया और उसकी कीमत का पूरा ब्यौरा भी पेश कर दिया। एक यूजर ने पीएम मोदी के चश्मे की कीमत 1.5 लाख रुपए बता दी। पीएम मोदी के सूर्य ग्रहण देखने के इस स्टाइल के कायल सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं थे, दूसरे देशों में भी मीम्स की सप्लाई होने लगी। इस देश में रहने वाले लोग अलग अलग मजहबों के हैं या फिर सिर्फ हिंदू हैं, ये सवाल आज देश की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा है कि देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, भले उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। आरएसएस हमेशा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है और ये मानता है कि हिंदुत्व भारत के रहने वालों की संस्कृति है, लेकिन आरएसएस की यही सोच उसके विरोधियों को चुभ जाती है। विरोधियों का मानना है कि आरएसएस भारत जैसे सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा रखता है। मोहन भागवत ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिंदू होने का यह बयान हैदराबाद में दिया। वो तेलंगाना के आरएसएस सदस्यों के 3 दिनों के विजय संकल्प शिविरम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-27 कल रिटायर हो जाएगा। 4 दशक तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे MiG-27 की अंतिम उड़ान कल जोधपुर में होगी। MiG-27 के भारतीय वायुसेना से विदाई से पहले रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इन विमानों ने शांति और युद्ध दोनों परिस्थितियों में देश की बड़ी सेवा की है। करगिल युद्ध के समय MiG-27 ने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बमों से सटीक निशाने लगाए। MiG-27 विमानों ने ऑपरेशन पराक्रम में हिस्सा लिया। MiG-27 के विदाई समारोह के लिए जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में बड़ी तैयारियां की गई हैं। MiG-27 का अपग्रेडेड वर्जन अभी भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। भारी घाटे से जूझ रही एयर इंडिया ने सरकारी अधिकारियों का उधार खाता बंद कर दिया है। एयर इंडिया ने फैसला किया है कि जिन सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का 10 लाख रुपए से अधिक का बकाया है, उनके अधिकारियों को उधार में टिकट नहीं मिलेगा। CBI, ED, IB, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, BSF और इंडियन ऑडिट ब्यूरो वो सरकारी संस्थाएं हैं जिन पर एयर इंडिया की 10 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारी है। इन एजेंसियों को एयर इंडिया के कुल 268 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इन सरकारी एजेंसियों के अधिकारी सामान्य कस्टमर की तरह नकद में एयर इंडिया का टिकट खरीद सकते हैं। एयर इंडिया खुद 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रही है। 2018-19 में ही एयर इंडिया को 8,556 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। घाटे की वजह से ही सरकार एयर इंडिया के विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।